राजांक सह थिला ब्रिटिश पुलिस प्रजांक पाई आद्य जौवन को बळी शहीद होइतिले नयागढ़ जिला कुसुबिरार कष्टी डाकुआ। ए होची स्वाधीनता संग्रामी शहीद कष्टी डाकुआंक जन्ममाटी कुसुबिरा। नयागढ़ ठारु 26 माइल दूर जंगल घेरा ए गाँवें ब्रिटिश शासन काल में शुभिता भारत माता जयर नारा। शुद्ध कंध आदिवासी गाँ लड़ुआ प्रजामंडल कर्मी निरापद ठिकना। संग्रामी माने नयागढ़ महिपुर धुआबारी अतिक्रम कर पहुंचुले पुणी पालवा पहाड़ ने आखपाख करडापाली रामपल्ली चड़कमरा और केन्दुपणी गाँ मान जाते एभली भावे कुसुबिरार कंध आदिवासी गाँ संग्रामी जगाउथिला समस्त प्रकार सहायता। कुसुबिरार गाँ माटी एबे भी कष्टी डाकुआ वीर गाथा को जाबुड़ी धरी दायाद माने गाँव में शहीद प्रतिमूर्ति स्थापन करे प्रति वर्ष पालन करुछंती शहीद दिवस। गाँव में शहीद कष्टी डाकुआ भवन निर्माण करा जाए शहीद विचार बंची रहा दिगरे निया जाउछि पदक्षेप। गाँव में शहीद दायाद माने निज पूर्वसूरी गुणगान करने सहित विकास ठारु गाँ टी पछरे पड़ जाइथिबा नै क्षोभ प्रकाश करिसेंती। कष्टीडाकुआ जेजेबापा से शहीद संग्राम थिले नुआगाँ थाना से भारत 1942 मसीहा मसीहार से नुआगाँ थाना जा गोली माड़ से मृत्युवरण करते। हाँ कष्टीडाकुआ दायित्व बहुत अंतर गर्वित बहुत करेणु रास्ता घाट भी आम कुसुबिरार किसी बहुत असुविधा क्षण आम चलु सरकार को निवेदन करुच्छ बहुत रास्ता आमर आहत आम दरकार कि आम घर द्वार भी देखते अवस्था आम चलु शहीद परिवार सरकार किसी आमको बुझुना। संग्रामी गाँव में एबी खोला आकाश ते पूजित होती सुना दे ठाकुराणी माँ प्रति लोकंर विश्वास और भल पाइबारे टिके भी कम ना लोके कष्टी डाकुआ को जमी श्रद्धा करती विश्वास और भल पाइबा दिखती सेतिक भक्ति सुना दे को करती। प्रथम फसल ठू मद जाए प्रथमे उत्सर्ग हुए माँ को। कुसुबिरार एभली सरल आदिवासी किंतु राजतंत्र को देखाई लालाखी। नयागढ़ जड़े बुद्धिजीवी कष्टी डाकुआ संग्रामी आत्मा को प्रणाम पूर्वक कहती अन्याय को प्रतिरोध करने दिगरे से आम को से पुरर शक्ति प्रदान कर तांकु बारंबार नमन करुच्ची प्रणाम करुच्ची हे कष्टी डाकुआ आज विपन्न समाज को सुरक्षा दवापी बारंबार आमको आशीर्वाद करू था अन्याय अनीति की प्रतिरोध करने जदि आपणकर आशीर्वाद रहिला आपण पथरे आम मार्गित हेलु निश्चित भाव समाज आउ एक भल धारा प्रवाहित हो। एबी संग्रामी कष्टी डाकुआ कुसुबिरा गाँ को भल पक्का सड़कटे ना जंगली झरणा शाड़ महुल और आंब जंगल मझीरे माटी पादचला रास्तार संतर्पण से जवाक हुए पादचला रास्ताटे बर्षा दिन जातायात अनुपयुक्त हो जाए। बर्ष बर्ष धरी यह गाँव में जानी प्रधान मल्लिक बेहरा एवं डाकुआ संज्ञाधारी बसती गढ़ा बेले अधिकांश जीविका कृषि वनजात द्रव्य संग्रह और पशुपालन रही आर्थिक स्थिति प्रायतः भल नुहे एवे गाँव में मोबाइल पहुंची हैं इंटरनेट संजोग हार बहुत कम रही। आज कुसुबिरार एभली दृश्य देखा 1942 मसीह किभली थी अनुमान करते राजा और अमला मान पेठी बेकारी इंग्रेज जुलूम सहित समताल चली कारण विरोध में नयागढ़ गड़जात अंचल मुंड टेकिला विद्रोह। नयागढ़ वरिष्ठ आडभोकेट तथा तो इतिहास गवेषक चंद्र विजय मिश्र नयागढ़ प्रजामंडल आंदोलन को मन पकड़ से कहती कुसुबिरार अमर शहीद कष्टी डाकुआ नयागढ़ प्रजामंडल जड़े दुर्दश सैनिक 1942 अक्टोबर 8 तारीख दिन से राज पुलिस गुड़ी में आत्मबली निज लहुरे से सृष्टि कर मुकतिर छवि। कुसुबिरार अमर शहीद कष्टी डाकुआ
ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଥିଲେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କର୍ମୀ। 1942 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବାହାଡ଼ଝୋଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧୁଆଖଳି ପଡ଼ିଆଠାରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ 5ଟି ସମର ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ 5ଟି ସମର ବାହିନୀ 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜବାଟିକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ, ରାଜପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେବେ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଳିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅମର ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ। ସଂଗ୍ରାମୀ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ସେଦିନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର ଗଗନ ପବନ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରାଜଶାସନ ବିରୋଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସର 49 ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବହାଇଥିବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଉପହାର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲେ। ଡକୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଧାପଡ ସିଂ ଉପାଧି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ରାଜଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଥମିନଥିଲା ପ୍ରଜା ଅସନ୍ତୋଷ। 10 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ଏହି ଘଟଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ 10,000 ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଥିଲେ ଶହୀଦ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶହୀଦ ଦିବସ। ମା ମାଟି ଓ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁସୁମୀରା ମାଟିର ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନଦାନ ଏକ ଅଲିଭା ଇତିହାସ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହନ୍ତି। କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଜଣେ ବହ୍ନୀ ଶିଖା। ମା ମାଟି ମାତୃଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ଫଳ ଚାଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଅମ୍ଳାନ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଏକ ଅମୃତକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାତାର ସେବା ପାଇଁ, ମାଟି ମା ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମିଳିଛି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ। କଷ୍ଟିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବା ସହିତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛି।